गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़े थे एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो रिएक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए थे, उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ लिए थे, थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हमारा अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो है बहुत सिंपल सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन मतलब सेम ही होता है, डिस्प्लेस करना या सब्स्टिट्यूट कर लेना किसी के प्लेस। जैसे मान लीजिए कि आज आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, कल आया कोई मेरे जगह पे कोई दूसरा आके पढ़ाएगा, तो क्या हो गया, वो मेरी जगह वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो रिएक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, या उसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दिया हम। मान लीजिए कोई और आपको पढ़ाएगा तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इसका पहला दूसरा नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो बताए थे वो 10th लेवल के लिए सफिशियंट है। पूरा का पूरा रिएक्टिविटी सीरीज उतना ही नहीं होता है, लेकिन इस लेवल पर वो सफिशियंट है, उतना ही से काम हमारा चल जाए। तो क्या आपको याद रखना है इसमें, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मैटर। देखिए बस ये आपको याद रखना चाहिए, इसी से आपका पूरा का पूरा ये जो रिएक्शन है वो आपका समझ में आ जाएगा, आप आसानी से बता भी सकते हैं। पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज है किस चीज का, मेटल का। मतलब क्या है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर में सिचुएटेड है, जो टॉप में है, वो मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेरिजन में, नीचे वाले के कंपेरिजन में। मतलब ये जो पोटासियम है या सोडियम है ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम है ये एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव है, ये आपको समझना है। मतलब ऊपर वाला जो भी है वो ज्यादा रिएक्ट कर सकता है, बहुत जल्दी आसानी से रिएक्ट करेगा, नीचे वाला जो भी है वो क्या करेगा, कम रिएक्ट करेगा। आप इसको समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो ऑर्नामेंट्स होता है वो किस चीज का बना होता है, जनरली गोल्ड का। तो गोल्ड का जैसे आप देखे ही होंगे ऑर्नामेंट्स बना हुआ, तो ऑर्नामेंट्स 5 साल 10 साल अभी अगर सोना का हम लोग अंगूठी वगैरह या कुछ भी पहनते हैं तो जल्दी उसमें कोई कलर में डिसकलर होता है क्या, कोई उसमें रिएक्शन होता है क्या, नहीं। 10 साल बाद भी उसका चमक वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो सोना है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, बहुत नीचे है, लोअर मोस्ट ऑर्डर पे पाया जाता है, बहुत नीचे पाया जाता है, तो ये कम रिएक्टिव है, तो ये एटमोसफेयर से, ह्यूमिडिटी से रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग एल्युमिनियम का अगर मान लीजिए ऑर्नामेंट्स बना के पहनने लगे तो क्या होगा, आज पहनिएगा तो 2 दिन बाद ही क्या होगा, पूरा काला हो जाएगा। सिल्वर में होता है, सिल्वर में अगर आप लंबे टाइम तक छोड़ेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, ब्लैक कलर का एक लेयर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाता है एटमोसफेयर से। लेकिन जो सोना है वो सबसे कम रिएक्टिव है, वो बहुत लंबे टाइम तक भी आप पहने रहिएगा तो उसमें रिएक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा, एक्टिव होगा। रिएक्टिव मतलब एक्टिव है तो क्या करेगा, इधर उधर दौड़ेगा। कनेक्शन मतलब क्या है कि वो डिस्प्लेस करेगा दूसरे को। चलिए एग्जांपल से समझते हैं होता क्या है, पहले लिखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन highly reactive metals displaces
प्योर रिएक्टिव मेटल, प्योर रिएक्टिव मेटल। क्या कहने का मतलब हुआ? ये मतलब है कि ये इस रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, हटा देगा। यही कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब चलिए एग्जांपल से इस चीजों को समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए क्या है, एक रिएक्शन है, ध्यान देना है इसको। आयरन है, क्या है, आयरन है, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या है, सॉल्यूशन है, आयरन है प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब इसमें ध्यान दीजिए, इस पे देखिए, इस रिएक्टिविटी से इस पे देखिए, आयरन कहाँ है, ऊपर है, आयरन कहाँ है, ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे है। मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इससे तो क्लियर है, इस रिएक्टिव से। और हमारा जो रिएक्शन है, जो एग्जाम्पल अभी लिए हैं हम लोग, आयरन है प्लस क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, है? तो क्या होगा इस रिएक्शन में, होगा क्या, ये जो आयरन है ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, अलग छोड़ देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो बनेगा क्या, FeSO4। ये जो कॉपर है, ये इस कॉपर पे ध्यान देना है, इस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कौन है, आयरन है। कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ, सल्फेट SO4। तो इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इस कॉपर को क्या करेगा, हटा देगा, हटा देगा, और क्या जुड़ जाएगा, आयरन खुद जुड़ जाएगा इसके साथ। तो क्या हुआ, FeSO4 हो गया, और कॉपर को क्या करा, अलग कर दिया, अलग कर दिया। यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है, क्या है, आयरन लेना है, कॉपर सल्फेट है, जैसे एक रिएक्शन है, इसमें आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट है। हम जानते हैं आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इस कॉपर को अलग कर देगा और डिस्प्लेस कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर दिया, खुद अटैच हो गया। यही तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ, इसको हटा दिया कॉपर को, आयरन खुद जुड़ गया, तो FeSO4 प्लस क्या हो गया, कॉपर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सिंपल है। सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको, कॉपर को, कौन, आयरन। व्हाई कर रहा है, व्हाई, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सिंपल। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं इसका ले सकते हैं, जैसे Zn प्लस FeSO4, या फिर ऐसे ऐसे लिखते हैं Zn प्लस CuSO4। फिर देखिए, अब जब जिंक जो है, जिंक जो है वो क्या है, ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे है, मतलब जिंक क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस प्लस कॉपर को क्या करेगा, अलग कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, इस रिएक्शन में हुआ क्या, कॉपर सल्फेट, कॉपर के साथ जो सल्फेट का बॉन्डिंग था, इस बीच में जो बॉन्ड था, उसको कॉपर को हटा दिया, डिस्प्लेस किया, जिंक खुद जुड़ गया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपसे पूछते हैं, जैसे कॉपर प्लस ZnSO4, ZnSO4, ये जिंक सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट। अब देखिए आपका जो रिएक्टेंट दिया हुआ है, एक एग्जांपल लिए हैं, जिंक सल्फेट है, ये क्या है, कॉपर है, कॉपर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ZnSO4, जिंक, जिंक कहाँ है, ऊपर है, कॉपर कहाँ है, नीचे है, मतलब जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हम यहाँ लिख क्या दिए हैं कि कॉपर सल्फेट के साथ क्या किया, जुड़ गया और जिंक को बाहर कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्या, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर लेगा, उसका जो पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई करेगा और उसको अलग करके छोड़ देगा। यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखिए इस एग्जांपल पे थोड़ा सा गौर करना है, गौर करना है, अभी बताते हैं। जैसे कहाँ गया,
चलिए सीन। कोई सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसी बर्तन में बीकर में कुछ में भी हम कॉपर सल्फेट रखे हुए हैं, तो इसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा, ब्लू होगा। आपको बताया मैं पहले ही, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इसमें हम क्या मिला रहे हैं? आयरन मिला रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? आयरन डाल रहे हैं। तो होगा क्या, होगा क्या? अभी अभी हम आपको बताया है कि Fe प्लस CuSO4 है, तो बनेगा क्या? FeSO4 बनेगा प्लस कॉपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पे इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था तो कलर कैसा रहा होगा इसका सॉल्यूशन का? ब्लू रहा होगा। अब जो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हुआ तो बना क्या? आयरन सल्फेट बना। क्या बना? आयरन सल्फेट बना। जब आयरन सल्फेट यहाँ पे बना तो अब आयरन सल्फेट जो बना तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? हल्का सा कैसा हो जाएगा? ग्रीनिश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो डिस्प्लेस कर रहा है। आयरन क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब आपको यहाँ पे कलर का भी ध्यान रखना है। कलर का क्या ध्यान रखना है? जो आपको बताया है बेसिक, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है, वो हाइड्रेटेड अनहाइड्रेटेड आपको जो बताए थे पिछले क्लासेस में, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो ये कहने का मतलब है इस सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हाईली रिएक्टिव ऊपर वाला जो भी होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं कर सकता है। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट्स, बट लोअर रिएक्टिव मेटल कैनॉट डिस्प्लेस हायर रिएक्टिव मेटल। यही है सिंपल सा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अगला देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता था इसलिए इसका लिख दिए हैं पहले से ही। देखिए है क्या, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको पहले हम जानते हैं इसके बारे में, इसको तीन नाम से जानते हैं, या तो डबल डिस्प्लेसमेंट या इसी को आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक स्पेशल केस है इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये इसका स्पेशल केस है। ऐसा जनरली इसको दो ही नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर आयनिक रिएक्शन, लेकिन इसी का एक स्पेशल केस है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है। उसको हम एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन पे आपको भूल जाते हैं, डेफिनेशन क्या है उसको अभी भूल जाते हैं, बस हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसका पढ़ भी चुके हैं हम लोग। देखिएगा अब यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या हो रहा है। पिछले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा था, उसको अलग छोड़ दे रहा था और अपने कंबाइन कर जा रहा था, वही हो रहा था। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कोई किसी को अलग नहीं छोड़ सकता। जैसे हम लोग पढ़े थे ना Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 बन जा रहा था, कॉपर अलग हो जा रहा था। ये केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये केस यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं, यहाँ पे कोई अलग नहीं हो सकता है। यहाँ पे डिस्प्लेस दो बार होगा। कैसे होगा देखना है एग्जांपल। जैसे BaCl2 लिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 है। अब यहाँ पे आपको देखना है ये जो है, देखिए दो चीजें यहाँ पे, एक सोडियम है इधर सल्फेट है, यहाँ पे क्या है बेरियम है, इधर क्या है क्लोरीन है, ठीक है। अब देखिए ये जो BaCl2 है Na2SO4 है, यहाँ पे होगा क्या, एक बार ये बेरियम जो है ये इसका क्या करेगा, इसका जगह ले लेगा, सोडियम का जगह ले लिया, तो इसको क्या करा डिस्प्लेस करा। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, अगर क्लोरीन नहीं होता तो ये इसको डिस्प्लेस करता BaSO4 और सोडियम को अलग छोड़ देता, तो वो किसका केस हो जाता, डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन ये केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हुआ क्या, एक बार पहली बार में ये जो है ये क्या करा, इसको डिस्प्लेस करा और उसी टाइम ये वाला फिर क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। मतलब ये इसका पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया, वो क्या किया इसका पोजीशन ऑक्युपाई कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया, इसका जगह ये ले लिया, इसका जगह वो ले लिया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, इसके साथ अभी Na2 जुड़ा हुआ है, इसके साथ कौन आ जाएगा, Ba आ जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा NaCl।
क्या हो जाएगा NaCl। एग्जाम्पल से समझना, देखिएगा इसमें हुआ क्या, इसका अगर मान लेंगे हम वन, इसको क्या माने टू, वन टू, तो वन और टू अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया, दोनों चेंज कर लिया। देखिए जैसे सल्फेट के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ है, Na2 जुड़ा हुआ है, Na2 के बदले कौन आ गया, बेरियम आ गया, तो क्या बना लिया BSO4। यहाँ पे Cl2 है, Cl2 है, Cl2 के साथ कौन जुड़ गया, Na जुड़ गया, तो क्या हुआ दोनों आपस में अपना जगह जो है वो इंटरचेंज कर लिया, तो क्या हो गया BSO4 plus NaCl हो गया। क्लियर है ये। अब देखिए, अब ये तो सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं आप, ये इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड। आयंस के बारे में अभी नहीं बताया, अब इसका चर्चा करेंगे। आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के आयंस चेंज होंगे और क्या बनेगा, नया प्रोडक्ट बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, अब इसी को अगर आयन के हिसाब से देखें तो आपको पता है पहले से भी कि Cl पे कैसा चार्ज होता है, माइनस माइनस, बेरियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस, और ये क्या होता है माइनस होता है, माइनस होता है, आपको पता है, आपको पता है क्लोरीन पर माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आयंस तो होंगे। देखिए अभी अभी आपको बताते हैं, इस चीज को ध्यान देना है, पहले ध्यान देना है ये Ba प्लस है, Cl माइनस, Na प्लस, SO4 माइनस, मतलब आयंस तो इसमें है, आयंस है। ये जो BaCl2 है ये आयनिक फॉर्म में कब होगा, कब होगा, कब होगा, जब ये वाटर में होगा, जब ये वाटर में होगा, मतलब कह सकते हैं हम लोग, जैसे देखिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड, सबको पता है नमक क्या होता है, ये नमक होता है, नमक अगर सॉलिड फॉर्म में है तो, सॉलिड फॉर्म में है तो क्या ये आयनिक फॉर्म में होगा, नहीं होगा, लेकिन पानी के फॉर्म में क्या होगा, Na प्लस, जब पानी में मिलाएंगे तो Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा। कब, जब इसको, इस सॉलिड सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करेंगे, वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा, आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा। अभी तो ये क्या है, आयनिक फॉर्म में नहीं है, NaCl है। सेम चीज यहाँ है, ये रिएक्शन हमेशा होगा तो जनरली पानी में ही होता है, कहाँ होगा, पानी में ही होगा, तभी आयंस क्या होंगे, सेपरेट होंगे, आयंस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। तो देखिए इसके प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये वाला जो प्लस है माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो कंबाइन है। ये वाला प्लस इस माइनस से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रिएक्शन में ही क्या होता है, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है ये इंटरचेंज करेगा, ये प्लस अभी इस माइनस से जुड़ा हुआ है, ये इस माइनस से ना जुड़ के ये वाले माइनस से अटैच हो जाएगा। तो देखिए Ba प्लस और SO4 जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, BaSO4। फिर क्या बनाया, ये वाला क्या हुआ Na प्लस और क्या हुआ ये Cl, Cl माइनस, फिर प्लस माइनस क्या हुआ, एक नया चीज बना लिया NaCl। मतलब आयंस तो अभी भी है अपोजिट, यहाँ भी और यहाँ भी। ऐसा कभी हो सकता है कि Ba प्लस और Na प्लस ज्वाइन कर ले, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, प्लस प्लस जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। मतलब इसका आयंस और इसका आयंस इंटरचेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए इसको, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, इसका आयन एक्सचेंज करके इसके साथ, इसका इसके साथ कर गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इसलिए इसको, इसका दूसरा नाम आयनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आयंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। क्लियर है, और एग्जांपल से समझते हैं इसी चीजों को। जैसे AgNO3, पहले भी बताते हैं रिएक्शन NaCl क्या होगा, क्या होगा, देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना, Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या होगा, वाटर में ही होगा ये सॉल्यूशन, ये रिएक्शन होगा कहाँ, वाटर में ही होगा। अभी हम बताते हैं इसको, तो होगा क्या, पहले आयंस एक्सचेंज करेगा, ये वाला माइनस से जा साथ जुड़ा हुआ, ये इस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा, AgCl बना लेगा, प्लस प्लस ये क्या होगा, Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मतलब आयंस जो है आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहा है, ये वाला प्लस इस माइनस, ये वाला प्लस इस माइनस, तो आयंस एक्सचेंज करा, इसलिए इसको बोलेंगे आयनिक रिएक्शन। दो बार हो रहा है डिस्प्लेस, इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन एक स्पेशल केस है, जो अभी आपको हम उसको क्लियर करेंगे। क्लियर है, अब देखना है इसमें, इस रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको पता है क्या होता है,
प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे इस फॉर्म इस केस में बेरियम सल्फेट एक पीपीटी के फॉर्म में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जमा हो जाएगा। इसमें AgCl भी क्या है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होगा, जमा हो जाएगा। और इस कलर क्या होगा, इसका भी व्हाइट होगा, इसका भी कैसा होगा, व्हाइट होगा। नहीं समझ में आया, एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे चलिए देखते हैं एग्जांपल से, जैसे दो बीकर लेना है आपको, दो बीकर लिए ठीक है, इसमें भी क्या है थोड़ा सा पानी मिला दिए, क्या है पानी पहले से ही थोड़ा थोड़ा ले लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एक इसमें हम डाल दिए AgNO3, क्या डाल दिए इसमें AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए, पानी में डाले, वाटर सोल्यूबल है, घुल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या डाल दिए, NaCl डाल दिए, नमक डाल दिए, नमक तो वाटर सोल्यूबल है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्या हो जाएगा इसमें, घुल जाएगा आसानी से, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। दो बीकर लिए, दोनों में क्या है, वाटर पहले से है, थोड़ा पानी ले लिए थे, इसमें भी है, इसमें AgNO3 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से घुल गया। NaCl डाल दिए, ये भी आसानी से घुल गया, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, इस वाले दोनों को मिक्स करके एक बार दोनों को एक में ही डाल देना है ठीक है, दोनों को मिला दिया अलग अलग, अब दोनों को क्या करेंगे, एक में ही डाल देंगे। एक में जैसे ही डाले तो इसमें क्या होगा, पानी में है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस होगा, आयंस एक्सचेंज करेंगे, आयंस एक्सचेंज करेंगे। अभी तक ये भी वाटर सोल्यूबल था, वाटर में सोल्यूबल था, ये भी क्या है, वाटर में सोल्यूबल, नमक तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा प्रोडक्ट बना, जब दोनों को एक साथ मिला दिए तो रिएक्टेंट में क्या हो गया, AgNO3 हो गया, और क्या हो गया, NaCl हो गया, NaCl हो गया। अब क्या होगा, दोनों को मिक्स कर दिए एक साथ, तो जैसे ही मिक्स करने से पहले ये भी वाटर सोल्यूबल, ये भी वाटर सोल्यूबल था। अब जो बनेगा उसमें पूरा का पूरा वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, एक प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, देखिए क्या होगा, अब जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 बनेगा, AgCl प्लस NaNO3 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसमें जो NaNO3 होगा, NaNO3 होगा वो तो वाटर सोल्यूबल होगा, होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में व्हाइट कलर का नीचे में आके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा, और ये वाला क्या रहेगा, ये वाला वाटर सोल्यूबल रहेगा, ये वाला रहेगा। मतलब इस केस में, डबल डिस्प्लेसमेंट के केस में हमेशा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा, एक ना एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठेगा ही बैठेगा। तो इस रिएक्शन में जब तक दोनों को अब कंबाइन नहीं करे थे तब तक दोनों वाटर सोल्यूबल था, रिएक्शन होने के बाद आयंस हुआ, एक्सचेंज हुआ, ये यहाँ आ गया, AgCl NaNO3 कंबाइन करा और क्या हुआ, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ। सेम केस इसमें भी ले सकते हैं, एक बेरियम क्लोराइड लेंगे पानी में मिलाएंगे, इसको लेंगे पानी में मिलाएंगे, दोनों वाटर सोल्यूबल है। जैसे ही दोनों को घुला के एक बड़ा सा मिक्सर में डालेंगे, बड़ा सा मिक्सर में घुलाएंगे, उसको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। तो NaCl तो क्या होगा, NaCl क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, लेकिन BSO4 नीचे की तरफ बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो आपको यहाँ से ये बात ध्यान में रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगा एक ना एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। तो पूरा का पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता कहाँ से है, यहीं से आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही आता है ठीक है। अब कुछ बातें आपको इसमें लिख लेना है कि ये कहाँ होता है, वाटर में होता है। तो दिस रिएक्शन जेनरली टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन, कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में होगा, मतलब ठीक है एक्वस सॉल्यूशन में होगा। आपको भी बताया पानी में तो होगा ही होगा, तभी आयंस क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे ठीक है। चलिए एक चीज और अभी इसमें देखना है, एक लास्ट बची है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है आपको बताए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट का नाम आयनिक भी है और न्यूट्रलाइजेशन भी एक स्पेशल केस है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, स्पेशल केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन, विच टेक्स प्लेस between
एसिड एंड बेस। अभी एसिड बेस साल्ट आप पढ़े नहीं है, जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे एसिड क्या होता है बेस क्या होता है। अभी इतना समझना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक स्पेशल केस है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें एसिड और बेस क्या करता है, कंबाइन करता है और न्यूट्रल एसिड और बेस दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा। कोई चीज है जो एसिडिक है ये क्या है, बेसिक है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, न एसिड का प्रॉपर्टीज रहेगा न बेस का रहेगा, दोनों क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब कैसे होगा, दोनों का इंटेंसिटी बराबर रखेंगे वगैरह वगैरह, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, एसिड होता है, ये क्या है NaOH, इसको बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, ये बेस है। तो बेस है और एसिड है, दोनों कंबाइन करेगा तो क्या होगा, न एसिड रहेगा न बेस रहेगा, न्यूट्रल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो एसिड और बेस कंबाइन करा तो बना क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रल न एसिड का प्रॉपर्टीज रहेगा न बेस का रहेगा, न्यूट्रल हो गया, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। होगा क्या, सेम केस देखिए, होगा क्या, Na के साथ OH जुड़ा हुआ है, Cl के साथ H जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, ये इससे कंबाइन कर लेगा, फिर दो बार हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, NaCl होगा प्लस H2O होगा। देखिए NaCl के साथ जुड़ गया, ये H2O बना लिया, ये भी क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेस हो रहा है, दो बार डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेशल केस है जो एसिड और बेस में होता है। अब कितना इंटेंसिटी रखेंगे क्या रखेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस साल्ट में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया इसका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए उसको भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं होता क्या है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत सिंपल सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ध्यान देना होता क्या है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीडेशन और यहीं पे एक साथ हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन पहले लिख लेते हैं चीजों को, फिर हम लोग देखेंगे क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हट जाना, सेम इसका उल्टा क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसमें क्या होगा, क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए अब क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंबाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, आपको पता भी होगा पहले से, बस दो एग्जांपल देंगे और दो एग्जांपल से आपको सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं। देखिए जैसे एक एग्जांपल जो आपके बुक में दिया भी होगा, जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2Li, ठीक है, CuO प्लस H2 बनाता क्या है, Cu प्लस H2O, ठीक है। देखिएगा CuO प्लस H2 बनाया क्या, Cu प्लस H2O, ये देखिए O इसके साथ जुड़ गया तो H2O, ये क्या हो गया, Cu हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखना है ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिडक्शन क्या हुआ, कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ रिडक्शन हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, इसको ध्यान देना है। तो देखिए ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, पहले इस पे ध्यान दीजिए H2 पे, रिएक्टेंट में क्या है, H2 है, H2 है, ये वाला इधर जाकर जो प्रोडक्ट बना तो H2 में क्या जुड़ गया, क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। देखिए अभी अभी बताया है अगर कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। देखिएगा रिएक्टेंट में क्या था, H2 था, H2 से क्या बन गया, H2O बन गया, मतलब वो क्या हुआ, जुड़ गया, ऐड हो गया, ऐड हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड हुआ उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। मतलब इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, वी कैन से हियर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, व्हाई, बिकॉज़ ऑक्सीजन गेट्स कंबाइंड विद हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं। अब देखिएगा
इस CuO पे ध्यान देना है, इस पे फोकस करना है। अभी क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है अभी अभी। और रिडक्शन पे देखिएगा, हाइड्रोजन या तो जुड़ जाए, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए, निकल जाए। तो इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखना है, फोकस करना है, CuO से क्या हो गया, CU हो गया, CU हो गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसको कह सकते हैं क्या है, ये रिडक्शन है, रिडक्शन है। दो चीज है, या तो इस केस में या तो हमारा ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिडक्शन किसको बोलेंगे, या तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन हटना चाहिए, हटना चाहिए। यहाँ पे इस रिएक्शन पे हम गौर करें तो यहाँ पे क्या हुआ, H2 से H2O हो गया, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इस वाले पे फोकस करें तो CuO से O हट गया, CU केवल बचा हुआ, तो ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझ गए क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनाता है आपको Zn प्लस CU, क्या बनता है, Zn प्लस CU। ध्यान देना है, देखिए ZnO प्लस C, ZnO प्लस C, अब क्या होगा, इस वाले पर ध्यान देना है आपको, ZnO से क्या हो गया, जिंक हो गया, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन, वी कैन से रिडक्शन टेक्स प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कार्बन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वी कैन से ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, किसी भी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हटना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या तो हाइड्रोजन ऐड होना चाहिए या फिर ऑक्सीजन का हटना, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। आप यहाँ पे गौर कीजिए, ऑक्सीजन ZnO है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हट गया तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या होगा, रिडक्शन। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी देखिए, ये हट रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं समझ में आ गया, रिडक्शन किसको बोलते हैं समझ में आ गया। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ हो, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेड और ऑक्स, रेड मतलब घटना, रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, दो वर्ड से बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको लिख लेना है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर सिंपल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल कहीं से हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सिंपल कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। कहीं से ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन। लेकिन जब दोनों एक साथ हो, जैसे इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो एक ही रिएक्शन में दोनों हो रहा है। तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो, उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। आपको इसका डेफिनेशन लिख लेना है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल में आप यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक ही साथ हो रहा है, यहाँ पे भी एक साथ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप डेफिनेशन लिख लेंगे, एग्जाम्पल भी यही छाप देंगे उसको, ठीक है। अब देखिए, अब एक दो चीज और महत्वपूर्ण है, इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म होता है, इसको समझ लिए। तो अब देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, वैसा जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। सिंपल हम बोल सकते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, वो जो रिडक्शन करवाएगा उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझना है, देखिए
यहाँ पे ये H2 है, H2 क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, H2O में, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। गौर कीजिएगा, ये H2 ऑक्सीडेशन कैसे हुआ इसमें, जब ऑक्सीडेशन इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, गौर करना, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये वाला इसको ढक लीजिए, बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से यहाँ पे वाटर बन रहा है, मतलब वाटर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप गौर कीजिएगा, ये ऑक्सीजन आया कहाँ से है, ये कोई दिक्कत नहीं, H2 था, H2O हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आप गौर कीजिए, ऑक्सीजन आया कहां से आया, अगर इसमें ऑक्सीजन अगर नहीं जुटता तो हम कहते ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं कहते, तो ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, ये ऑक्सीजन दे रहा है, ये अगर ऑक्सीजन ना देता तो कभी भी इसका ऑक्सीडेशन हो पाता नहीं, हो पाता, तो क्या होगा, देखिए फिर से गौर कीजिएगा, H2 है, दिस इज H2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड, बट आप गौर कीजिए, अगर इसमें ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये दिया ऑक्सीजन, कौन दिया, ये दिया, ये अगर जब तक ना दिया होता, ऑक्सीजन नहीं दिया होता, इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं, होता नहीं, होता नहीं, होता, तो इस केस में ये करवा रहा है, कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, करवा रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्लियर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सेम केस, अब देखिए, अब रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, यहां पे देखिए गौर कीजिएगा, इस रिएक्शन में यहां पे क्या हो रहा है, ये जो Zn O है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो Zn O जिंक में कन्वर्ट हो रहा है कैसे, ऑक्सीजन को हटा रहा है, तब ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को हटाएंगे तब ना, ऑक्सीजन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन अपने आप हटेगा क्या, नहीं हटेगा, कौन हटाएगा, ये जो C है ये इसको अपने साथ ले रहा है, खींच रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो C है ये ऑक्सीजन को अपने साथ खींच लिया, CO बना लिया, तभी तो इसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मतलब ZnO को जिंक में बदलना रिडक्शन करवाएगा कौन, सी कार्बन करवाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन को खींच लिया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो ऑक्सीडेशन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जो रिडक्शन करवाता है। आपको सिंपल से, आपको ध्यान में अगर नहीं रहे कुछ, ये समझ में नहीं आया तो आपको ध्यान में रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, उसको छोड़ के वो क्या होगा, जो बचा होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जस्ट उल्टा है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये होगा, क्लियर। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है, तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ये नहीं हो सकता, कौन होगा, H2 होगा। क्यों होगा, यहाँ पे ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि ये CuO से Cu में बनना, ऑक्सीजन का हटना कब हटा, जब H2 ले लिया, इससे ले लिया, तो करवा कौन रहा है रिडक्शन, H2 करा रहा है, दैट्स व्हाई H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसी आप रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे, क्या होता है आपको डेफिनेशन पता है, एक एग्जांपल लिखेंगे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन में लिख लेंगे कि CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा यहाँ पे, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसमें भी आप लिख लेंगे, इसमें क्या लिख लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिख लेंगे क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन कौन करा रहा है, कार्बन करा रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, Zn O हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है, आप लिख लेंगे, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो नहीं आया अगर समझ में तो फिर से बैक करके फिर से देखना है, आएगा समझ में, कुछ नहीं है, ऐड होना, H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, या फिर जस्ट उल्टा, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन, या फिर ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या, रिडक्शन, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, जो करवाता है, जो ऑक्सीडेशन करवाएगा वो ऑक्सीडेशन एजेंट, जो रिडक्शन करवाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे होगा आपको बताया, नहीं आएगा फिर से बैक करके फिर से देखना है, और इस ऑक्सीडेशन लिख लेना है, रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको नॉन रिडक्स रिएक्शन, एग्जाम्पल आप लिख लेंगे खुद से और बताएंगे समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।